हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केदार। हाँ तो गाइस, आप सभी को पता है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का जो ऑफिशियल ट्रेलर आया था वो काफी लोगों को अच्छा नहीं लगा, मतलब नहीं लगा। वहां पर थल्लापति विजय सर यानी कि ऐसा गांधी का जो वॉइस देखने को मिला वो इतना इरिटेटिंग लग रहा था कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये थलापति विजय सर की मूवी होने वाली है। और वो किसने ही डबिंग दी थी जो कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जितने भी फैंस है ना भाई साहब, वेट कर रहे थे ना नए ट्रेलर का, तो मूवी की टीम ने ऑफिशियल रीडब्ड भाई साहब ट्रेलर शेयर किया उनके ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर, जो कि संकेत मात्र सर की वॉइस में है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सुना देता हूँ। आज ने तुम्हें घेर लिया है, कोई प्लान बी नहीं, प्लान जेड तक है हमारे पास। तो भाई साहब, संकेत मात्र सर ने अपनी वॉइस दे दी और ये जो डब्ड ट्रेलर शेयर किया ना भाई साहब, मूवी की टीम को अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया। लेकिन जब मैंने ये ट्रेलर देखा ना तो मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया और मैं ये सोच में पड़ गया कि यार पहले करने में क्या इश्यू हो रहा था यार। जो 40 मिलियन व्यू जो डे वन में, 39 मिलियन प्लस जो व्यूज आए थे डे वन में भाई सब, वहां पर उसका रेशियो बढ़ जाता, मतलब कि 50-60 मिलियन प्लस व्यूज आ जाते, क्योंकि वहां पर संकेत मात्र सर का जो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा, थलापति विजय सर के फेस पे उनका वॉइस क्या ही जच रहा, इस तरह का वॉइस लग रहा है। मतलब कि मैं आप लोगों को बताऊंगा ना तो आप लोग बोलेंगे कि भाई क्या ही बात है यार, भाई मुझसे ज्यादा तो आप लोग जानते हैं। लेकिन भाई जब जब थलापति विजय सर की जो डबिंग आएगी यहाँ पे, मतलब कि संकेत मात्रे सर की जब वॉइस देखने को मिलेगी, तो आप यही बोलने वाले कि भाई सब थिएटर में मजा आने वाला है, कुछ बम बारूद होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता है प्रीवियस ईयर में लियो मूवी के अंदर भी अपन यही चाहते थे कि संकेत मात्रे और वो शानू मिर्जा करके वो डबिंग आर्टिस्ट काम करे, लेकिन किसी और ने ही कर लिया था, मतलब कृष्णा जी ने काम कर लिया था। लेकिन इस बार सारी चीजें फुलफिल होने वाली है और एवरी डायलॉग आप उठाकर देख ले उनकी, जब जब उनका आएगा। उम्र हो गई है भाई, स्पेशली उम्र हो गई है, तो वो जो भाई सब वॉइस वहां पर जो लगी थलापति विजय सर की, आउटस्टैंडिंग वाला वाइब आ रहा है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि यार मूवी की टीम को एक नया सा ट्रेलर शेयर करना चाहिए संकेत मात्रे सर की वॉइस में, क्योंकि वहां पर ये जो पब्लिक देखने को मिलेगा, ये जो नया हाइप देखने को मिलेगा, एक नए लेवल पर देखने को मिलेगा। बाकी मूवी की टीम क्या प्लान करने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं ना, मूवी की टीम ने जो भी अभी तक प्लान किया काफी पावरफुल लेवल पे किया। ट्रेलर आया था किसी अदर डबिंग आर्टिस्ट की वॉइस में आया था, लेकिन अब जो अपन जो चाहते थे वो हो गया, तो फिर अब क्या ही चाहिए। लेकिन यार मूवी की टीम सेकेंड ट्रेलर भी शेयर कर दे तो हम और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। बाकी ऑफिशियल ट्रेलर जो रीडबिंग का न्यू ट्रेलर आया ना, मतलब वही ट्रेलर को रीडब्ड किया ना भाई सब, मजा आ गया। बाकी यार आप लोग बताओ क्या लगता है संकेत मात्रे सर की वॉइस के बारे में, और ये जो ट्रेलर किस किस ने देखा, जिसने नहीं देखा तो भाई सब ट्विटर पर मैसेज कर दो, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बाकी आप लोग बताओ क्या लगता है थलापति विजय सर के बारे में, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बारे में, अपने ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।